सो गाइस फ्यूल अप भी हो गया और सेट कर रहा था, जा रहे हैं नासिक। तो सुबह भाई इतना ट्रैफिक कहाँ से लग गया, यूजुअली इतना ट्रैफिक तो रहता नहीं है अभी। भाई साहब इसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। क्या सामने सूरज देवता है और क्या ही क्लाउड दिख रहे हैं भाई साहब। तो बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। सो गाइस फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अलाउड ना तो थैंक यू दादा, हेलमेट संभालने को, कैमरा संभालने को। आपके लिए हमने छोटा सा डमरू लिया। सो गाइस फ्यूल अप भी हो गया और सेट टू गो। चलो दादा हवा भी भरना था बट कोई है नहीं, सो अब पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ से ही ले लेते छोड़ो। भाई सुबह का टाइम पे पर कोई सिग्नल नहीं दिखता भाई, सुबह मतलब सबका राज। सो हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू फ्रेश व्लॉग में काफ़ी समय के बाद। सो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया हो कि टाइटल और थंबनेल देख के कि आज हम जा रहे हैं नासिक, तो इस टाइम साथ में राइड पे है मेरी मॉम एज यूजुअल। और नासिक में हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपने देख लिया रहेगा, एज एन त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जहाँ पर शिव जी का, ओ भाई क्या भगा रहा गाड़ी है, यहाँ पर शिव जी का टेम्पल है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि अभी सुबह के 5 बजे रहे और हम लोग कुछ निकले थे 4:30, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी पवई जस्ट क्रॉस किए। फिलहाल के लिए अभी कुछ बता रहा है 3 hours 33 minutes। और भाई साहब अभी ना यार मुंबई में आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ राइड के लिए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज भाई इतना गर्मी हो गया मुंबई में, भाई दोपहर में तुम राइड ही नहीं कर सकते हो कोई भाई। अब ये सब बाइक तो चल जाता है कि हीट कम होता है, अगर कोई सुपर बाइक स्पोर्ट्स बाइक तुम ले लियो तो भाई साहब ख़त्म ख़त्म भाई, तुम्हारा उधर ही चिकन तंदूरी बन जाएगा। और इस टाइम एकदम मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पहले हर टाइम मैं इस तरफ जाता था वाशी साइड जाता था घूमने के लिए, इस टाइम कुछ नया जगह ट्राई कर रहा हूँ मीन्स नासिक टाइम नासिक के जगह पर, बिकॉज मैं नासिक अभी तक सिर्फ एक ही टाइम गया, वो भी तभी 4-wheeler से गया था, 2-wheeler से मैं आज तक नहीं गया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है नासिक का रूट। तो देखते हैं नासिक का रोड वगैरह कैसा है आपको पूरा। ओ माय गॉड भाई भाई क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा सिग्नल विग्नल दो, बिना सिग्नल दे घुमा रहे हो तुम भी यार। और सुबह सुबह भाई इतना गंदा रैश ड्राइविंग हो रहा है ना, सुबह सुबह भाई इतना ट्रैफिक कहाँ से लग गया, यूजुअली इतना ट्रैफिक तो रहता नहीं है अभी ये हाईवे पे। क्या हुआ भैया आगे पूरा लाइन से भाई साहब ट्रक लोगों ने पूरा जाम ला दिया है, तो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहेगा, और मुझे गूगल मैप भी बता रहे कि फास्टर रूट अवेलेबल, तो इसको भी अपन एक्सेप्ट कर देते, री रूटिंग बता रहा है। भैया अभी अभी यहाँ से निकालना पड़ेगा उन लोग के साइड साइड से, क्या चल रहा है मुन्ना। सो भाई साहब अभी तो हम ट्रैफिक ही क्लियर कर रहे हैं और ये गाड़ी देखो यहाँ पर फंस गई है, और इतना ट्रक्स निकला यार सही बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है ऐसे रिटर्न घर पे निकल जाओ, इधर ही फंस गई बीच में बेचारी गाड़ी। भाई साहब मानोगे नहीं, 1 घंटे से मैं रास्ता क्लियर कर रहा हूँ अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है, अभी तक थोड़ा खुला हाईवे दिखा है पता नहीं थोड़ा। अरे बहन सो फाइनली हमारा पहला हॉल्ट वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, अब चाय वगैरह पीने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए आगे रुकेंगे। और सामने देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुल सा व्यू है, ऊपर चांद भी दिख रहा है। तो यहाँ से कुछ बचा है कुछ 2 hours 41 minutes एंड 119 kilometer। सो चलिए थोड़ा आगे किधर रुकते ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए फिर बात करते हैं। वाह मैन क्या नज़ारा हो गया, ऊपर आप देख सकते हो यार क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है,
मॉर्निंग व्यू। भाई साहब इसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्या ही ब्यूटीफुल दिख रहा है भैया। और ये साइड में एक चीज नोटिस किया, यहाँ के सारे सिग्नल लाइट्स ना कुछ वियर्ड ही है। नॉर्मली सिग्नल लाइट्स रेड येलो एंड ग्रीन होता है, यहाँ पर भाई रेड व्हाइट एंड ब्लू है। और उसमें एक्स बना हुआ है। सो भाई साहब क्या सामने सूरज देवता है और क्या ही क्लाउड दिख रहे हैं भाई साहब। हम लोग यहाँ पर रुके कुछ 5-6 मिनट और आप फोटोज देखो भाई, फोटोज देखो यहाँ पर कि सब आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा सब। क्या खूबसूरत दिख रहा है, क्या खूबसूरत दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना, मस्त दिख रहा है ना, क्या ही खूबसूरत दिख रहा है। चलो राइड कंटिन्यू करते, ये शायद तो थंडिल हो जाएगा मेरा। आते रहेगा बीच में, नहीं आते रहेगा। सो लेट्स गो, अभी तो हम ब्रेकफास्ट करने नहीं रुके गाइस। बड़ी हम लोग ढाबे पे रुक गए हैं। सो अभी यहाँ से कुछ बचा है 1 hour 23 minutes, मीन्स 73 kilometers कुछ है। और हम लोग यहाँ पर जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे कार से, वही ढाबे में रुके हैं, ढूंढ ढूंढ के फाइनली मिल गया, मुझे लगा नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर भी दे चुका है मम्मी ने, क्या मांगा मम्मी, पोहा। पोहा नहीं, पोहा मांगा अपन अपना फेवरेट भिंडू वाला, खा के ऐसे निकलते। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी तक धूप नहीं आया ना इसके लिए मज़ा आ रहा है, तभी धूप चालू हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम रहेगा। तो चले फटाफट खाते ऐसे निकलते। अगर व्यू देख लो यार, ये सामने ढाबा और इस तरफ पूरा व्यू। सो फाइनली गाइस ऑल सेट टू लीव नाउ, नाश्ता वगैरह हो गया तो अब टाइम आ गया ग्लव्स पहनने का, चलो आ जाओ। तो भाई साहब इसका पहले मैंने आने टाइम एक शूट किया था, वो कुछ भी शूट हुआ नहीं बिकॉज भाई GoPro चालू ही नहीं हुआ। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि GoPro स्टार्ट होता ही नहीं है। हाँ तो मैं ये बता रहा था स्टार्टिंग में कि ये वही ढाबा है जो हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे कार से, जब हम लोग नासिक जा रहे थे कुछ काम से, तो मॉम डैड सब आए थे तो हम लोग इसी ढाबे पे रुके थे और आज भी इधर पे रुके। वो टाइम 4-wheeler से आए थे और आज आए हम लोग 2-wheeler से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और पीछे आज मड़गाड़े भी लगा थे, मुझे ऐसा लगा कि नासिक में बारिश वगैरह होता रहेगा बट नहीं हो रहा। सो लेट्स गो, फटाफट निकलते। तो ये ढाबे पे रुके थे, ढाबे का नाम क्या है, साई पार्थ, पार्थ। तो हम लोग भी होटल साई पार्थ पे रुके थे। क्या बोल रहे हैं, यहाँ से है क्या, चल के जाते हैं। अच्छा सो भाई साहब ग्लव्स पहन लेते हैं बिकॉज धूप आ गया है, थोड़ा थोड़ा गर्मी होना स्टार्ट होएगा। सो लेट्स गो नाउ। सो एवरीबॉडी एक बड़ा सूचना आपको बता देता हूँ, अगर आप मुंबई से त्र्यंबकेश्वर आ रहे हो तो जैसे आप कसारा घाट क्रॉस करोगे तो एक सीधा रास्ता बताएगा और एक लेफ्ट साइड का बताएगा। लेफ्ट साइड में आपको, लेफ्ट साइड का आपको बोर्ड दिखेगा लिटरली कि त्र्यंबकेश्वर के लिए, और सीधा सीधे जगह पे बोर्ड नहीं दिखाएगा और सीधा आपको सिर्फ गूगल मैप में दिखाएगा। तो अगर आप चाहिए तो अगर आप लेफ़्ट लोगे जैसे कि मैंने अभी लेफ़्ट लिया तो आपको पूरा गांव वाला रास्ता मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो आसपास पूरा गांव है, खेत वगैरह। अगर आप सीधा लोगे तो आपको हाईवे वाला रास्ता मिलेगा।
तो ये वाला रास्ता भी अच्छा है, बट कोई कोई स्पॉट पे थोड़ा खड़बुड़ी वगैरह है, तो ये रास्ते से भी आ सकते हो। ये भी सेफ़ रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, गाँव वगैरह ही है। अगर हाईवे से जाओगे तो हाईवे भी सही है आपके लिए। दोनों में ज़्यादा अंतर है नहीं, दोनों एज अ मीन सेम ही बता रहा मुझे, टाइमिंग भी सेम है, लिटरली किलोमीटर भी दोनों का सेम ही दिख रहा है, मैंने इसी के देखा था। तो बस ये आपको बताने वाला कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हो तो ये चीज़ का भी ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो जाना वहाँ पर कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए था मुझे। आप देख ही रहे हो थोड़ा रोड में स्पीड ब्रेकर वगैरह रहेगा, तो रहना ही चाहिए, गाँव है, खेत वगैरह है तो रह गई। सो ये रहा बोर्ड, ये देखो आप बीच में देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर 23 किलोमीटर। यहाँ से आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है, जैसे कि मुझे मैप में दिखा रहा है। सो गाइस फाइनली वी आर एट त्र्यंबकेश्वर। एंट्री कहाँ से है, एंट्री तो यहाँ से ही बता रहा है। सो वो बाहर का था मेन गेट, अब यहाँ से आपका एंट्री हो चुका है त्र्यंबकेश्वर के अंदर। सो शायद से यहाँ से एंट्री है और आपका बाइक यहाँ तक ही आएगा। सो गाइस फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ पर अब यहाँ से लाइन है, फिलहाल के अभी पूरा एंटी है, तो फटाफट चलते हैं अंदर। चलो चलो अलाउड ने। फाइनली हेलमेट वगैरह ले लिया हूँ। सो थैंक यू दादा, हेलमेट संभालने को, कैमरा संभालने को। तो यहाँ से हमने हार फुल वगैरह लिया था और सब मिल चुका है, सब सेफली मिल गया और बाइक भी वहाँ पर है। आपका नाम बता दो। हर्षल। अगर आप जैसे बाइक लेकर एंट्री करोगे तो आपको वहाँ पर ही पार्किंग मिलेगा। जय गणेश। हाँ इनका ये पार्किंग है वहाँ पर, मेरा बाइक भी देख सकते हैं वहाँ पर खड़ा है। सेफली बाइक पार्क होएगा, आपको जो रखना रखो, मैंने बिंदास लिटरली कैमरा रख दिया था यहाँ पर। चला बैठो भरत। थैंक यू। सो भाई लोग त्र्यंबकेश्वर के याद के लिए हमने एक छोटा सा डमरू लिया, जैसे कि मैंने गोवा के टाइम पे एक लेबल लिया था, फिर मनाली के टाइम पे एक लेबल लिया, जैसे कि यहाँ पर एक याद के लिए ये चीज़ लिया। और यहाँ पर पूरा मार्केट है शॉपिंग के लिए, जो चाहिए आप ले सकते हो। सो फाइनली गाइस हमारा दर्शन वगैरह पूरा कम्प्लीट हो गया और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जैसे कि आपने देखा कि मुझे अंदर शूटिंग करने नहीं मिला, सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। तो अंदर का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी हमारे मोटो व्लॉग के थ्रू। तो उसके पहले आपको ये बता दूँ, एक काम करते पहले बाहर निकलते, अच्छे हाईवे मिलते खुले खुले हाईवे में, फिर अच्छे से बात करते, क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो फिर मिलते हाईवे पर। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे पे, फिर मैं आपको देता हूँ पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, बट नॉट विथ फुटेज, विथ माई वर्ड्स। तो जैसे कि आपको पता है मैं ब्लॉग करते वहाँ पर पहुँचा, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका। तो वहाँ से आपका मेन लाइन स्टार्ट होता है, अगर आप नॉर्मल लाइन में जाओगे तो आपको जो भी आप फुटेज देख रहे हो वैसा आपको चार स्टेज देता है, B1, B2, B3 ऐसा कर कुछ तो स्टेज का नाम है, फिर आपको दर्शन मिलता है। और दूसरा एक वे है वो है VIP लाइन, तो VIP का पर पर्सन को चार्ज है 200 रुपीज़। सामने व्यू देख रहा हूँ, माय गॉड, मैं ध्यान नहीं दे रहा क्या खूबसूरत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पेंटिंग किया किसी ने भाई।
तो हेलो जी, हम आ गए घर पे अभी। और जैसे कि अपने लास्ट फुटेज में देखा कि हमारे माइक ने पूरी पूरी की पूरी फुटेज की मार लगा दिया, तो इसके लिए मुझे मजबूरन घर पे आके ब्लॉग करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या हो गया हेलमेट के माइक को, जाने के टाइम तो एकदम प्रॉपर वे से ब्लॉग किया, आने के टाइम ही पता नहीं ऐसा क्या हो गया। शायद से विंड कुछ ज़्यादा था, इसकी वजह से वो ऐसा कोई प्रॉब्लम दे दिया। तो कोई बात नहीं, उसको भी चेंज करवा देंगे। सो आपको कुछ भी डाउट रहेगा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और बस मुझे यहाँ तक ही बोलना था, जो बात मैंने मोटो ब्लॉग में किया था वो अगर मैं आप यहाँ पर करने बैठूँगा तो काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जाएगा और वैसा फील भी नहीं आएगा, वो टाइम पर अलग ही फील आ रहा था। सो टिल देन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी को न्यू ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड राइड सेफ।